दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत दुर्ग गोंदिया नागपुर के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाई जा रही है। इसलिए 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच यहां हावड़ा लाइन पर 17% यानी 20 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस वजह से नागपुर से विभिन्न स्थानों पर गए यात्री फंस गए हैं क्योंकि ट्रेनें रद्द हो गई है, जबकि निजी ट्रैवल कंपनियों ने इस रूट पर किराया दोगुना कर यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर खंड से प्रतिदिन 117 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें और कई साप्ताहिक ट्रेनें चलती है। इस मार्ग से बिजली संयंत्रों को नियमित रूप से कोयले की आपूर्ति की जाती है। बिजली उत्पादन को प्रभावित न करने के लिए यहां से कोयला कार्गो ट्रेनों को नियमित रूप से हटाया जा रहा है, लेकिन 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच 7 से 11 दैनिक मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनें और 18 जोड़ी यानी 36 साप्ताहिक ट्रेनें रद्द कर दी गई है। इस बीच तब से तीसरी रेलवे लाइन बिछाने के लिए यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। नागपुर से छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य हिस्सों में गए यात्री वापस की ट्रेनें रद्द होने के कारण फंस गए हैं। दूसरी ओर उनमें से कुछ नागपुर लौटने के लिए निजी यात्रा बसों की जांच करते हैं, लेकिन शिकायतें बढ़ रही है कि छत्तीसगढ़ गोंदिया तिरोट से नागपुर आने के लिए किराया दोगुना करने वाले प्राइवेट ट्रैवल ड्राइवर इन यात्रियों को लूट रहे हैं। लेकिन रेल प्रशासन का दावा है कि यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए बहुत कम ट्रेनों को रद्द किया गया है। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।